ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੌਬੀ ਤਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅੱਡਾ। लॉन्च करूंगा आपके सामने, राजगीत करूंगा। माइक लिए थोड़ा सा मीडिया को सर्व करना पड़ेगा, इसे ओनली फ्यू डेज मैं लेके आऊंगा। होल मोस्टली हम लोग थोड़ा सा हम लोग एंग्री शूट कर रहे हैं एक गाने के लिए, आसपास हम लोग और जाएंगे, मैक्सिमम होल यूरोप शूट करने वाले हैं हम लोग। हटना पड़ेगा यहाँ पे, आगे चला जाऊंगा जी बिल्कुल। पंजाब हम लोग शूट कर रहे हैं, अमृतसर शूट कर रहे हैं, इसीलिए पंजाब और बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों आज इकट्ठा किया है मैंने यहाँ पे। अच्छा विक्रम सर जी, रोमांटिक फिल्म है पूरी फुल। अली असगर इसका साड़ी में नजर आएगा कि कोट में? सर अली भाई है वो, वो सरप्राइज नहीं है। इज अ वेरी मेन कैरेक्टर फॉर द अली भाई, बहुत मेजर कैरेक्टर है अली भाई का इस फिल्म के अंदर। इज अ प्लीज मामा भाई, फिल्म के मामा का रोल निभा रहे हैं जो राजवीर के भी माही मामा है और माही के भी मामा है। इज अ वेरी लिटिल मिडिल ऑफ द रोड फिल्म बॉडी ऐसा होता है। सर मैं बहुत तैयारी कर रहा हूँ सर, बहुत दिन बाद एज मर्द लॉन्च हो रहा हूँ तो सब भूल गया हूँ, तो उसके लिए अभी वर्कशॉप वगैरह सब स्टार्ट है सर। आप देख रहे हैं बड़ी फिल्म बन रही है सर, फॉरेन एक्टर्स और भी आ गए तो कैरेक्टर बहुत अच्छा है। मेन इस फिल्म को हाँ बोलने के लिए सर, वो सर मेरा प्यार था फिल्म को हाँ बोलने के लिए। स्किप तो बहुत और बहुत मेजर कैरेक्टर में है मैं दोनों फिल्मों के। आज मैं सीजन का भी कास्ट लॉन्च करूँगा साथ में, टेंशन मतलब साइनिंग आज ही दी है। ये बोलना जरूरी थोड़ी था। लव यू जस्ट जोगी मैंने की है अगर ओपन कर दिया तो घूमर उठा चुका था ना मैं। अच्छा तो क्या माई है स्वयंवर रचने वाली है, मतलब मूवी के अंदर कुछ थोड़ा तो बताइए मूवी के बारे में, थोड़ा हिंट तो दीजिए। जी फुल रोमांटिक है, फुल रोमांटिक है। अरे दोस्त ऐसा घूम कुछ चीजें हैं तो अभी हम लोग बोलना नहीं चाहते, आज सिर्फ कास्टिंग और थोड़े दिन में हम लोग उसका ऑलमोस्ट टू स्टार्ट है इसका। ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप कि बहुत अच्छा। हेलो लाउड 15 नवंबर फॉर द हंगरी जी, फॉर नेक्स्ट 15 नवंबर रिलीज कब? नेक्स्ट ईयर प्रभात ले पहला करो ये तो अच्छा, आपकी कमी में सोच ही रहा था। अरे विक्रम जी, माही न्यू कमर है या फिर नोन? विक्रम सर जानना चाहूंगा, कुछ दिन पहले आपने भगत सिंह जी का जन्मदिन मनाया था, क्या कहना चाहेंगे? रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं, कॉमेडी फिल्म बना, मतलब देशभक्ति से जुड़ा कुछ विषय होता तो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल नहीं है, देशभक्ति अलग है और दोनों चीज अलग, दोनों चीज ही अलग अलग है। अब मैं एक एक करके लॉन्च करना स्टार्ट करूं? यस सर। तो
दोस्तों अब जो कास्ट है वो रिलीज कर रहे हैं हम लोग। राजवीर, एलोन द नेम। यस, राजवीर में है पारस, बुलाया जाओ स्टेज, म्यूजिक दीजिए, कम ऑन। हमारी हुई है कि जिसके जो हम लोग माही के मेन के मतलब हस्बैंड के रोल पे लेके आ रहे हैं, मीत के रोल पे, वो है अल्फाज, पंजाबी सिंगर अल्फाज। आप लोग अच्छे से जानते होंगे उसको, उसका बहुत सारे गाने हिट हुए हैं, तो उनके जगह उनका ब्रदर आया हुआ है, प्लीज कम टू द स्टेज। यस, अल्फाज जी थोड़ा सा आ नहीं पाए पर उनके ब्रदर आए हैं, प्लीज इनको बुलाया ऑन स्टेज, मेक सम नॉइज, कम ऑन। थ्री शॉट आकांक्षा आर्या, एक बार मेक सम नॉइज, तालियां हो जाए, क्या बात है। और मेन जो मामा जी का रोल कर रहे हैं हमारे में, अली भाई, बुलाया जाए हम सबके कॉमेडी किंग, और हम सबको नचाने वाले जो मेन, मुझे भी नचा रहे हैं, सभी को नचा रहे हैं। हां जी मुदस्सर भाई, लव यू। मुदस्सर खान द कोरियोग्राफर, लेडीज एंड जेंटलमैन for the film Mahi, come on. नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुदस्सर से भी कुछ क्वेश्चन करो। Yes, please. नहीं, सवाल तो कर दिया था पहले, जवाब दे दिया उन्होंने। मैंने पूरा एक पूरा पूरा पूरा, 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 पूरा। आपके बगल में उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। अली सर, मैं दिया। आप क्या रोल कर रहे हैं? वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। Yes, एक एक कैरेक्टर। आपका आपका अपना नाम तो बता दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम है रूबी भारत। सेकेंड मूवी जो हमारी है सीजर, उसमें कास्ट में है यार। ओके जी, अली भाई ने तो सब बोल ही दिया। अली सर, माइक दीजिए, माइक सर प्लीज, कुछ कहना चाहेंगे दो शब्द? सब लोग प्लीज बहुत प्यार से वेट कर रहे हैं आपका, कुछ एक डायलॉग बोल दीजिए। यस, क्या बोलूं मैं, बाकी सब तो हमारे विक्रम भाई ने आपको बता ही दिया। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारी शूटिंग शुरू हो जाए। 15 तारीख से आउटडोर है, कुछ 3-4 दिन का शूट यहाँ बॉम्बे में है अभी फिलहाल, इसकी डेट्स फाइनल हो जाएंगी। एंड बहुत ही एक्साइटिंग रोल है मेरे लिए। हर एक्टर जो होता है बहुत लालची होता है, खुद का रोल पहले देखता है क्या होता है, तो मैं भी बहुत उसी कैरेक्टर की वजह से मैंने इस फिल्म को हाँ कही है। एंड इनसे एक लगाव सा हो गया है विक्रम भाई के साथ, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अच्छी फिल्म बने। जितना बाहर शोर हो रहा था, फिल्म शोर करे अब, यू नो, यही दुआ करता हूँ मैं। अली अली अली, यू सेड जस्ट राइट नाउ कि बहुत मुश्किल से आप कोई फिल्म करते हैं या किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं, लेकिन आप कहीं पे भी खुल के नहीं बता रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर प्लेइंग द फिल्म। बहुत गोल 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 बातें हो रही हैं यार। अली अली, मैं मामा हूँ। अच्छा, हीरो का मामा हूँ, तो इसमें क्या बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही यंग एंड हार्ट, बहुत ही चुलबुला मामा है, जो हर हर उसके स्टेजेस में उसको सपोर्ट करता है। हर मतलब पूरी फिल्म में बीवी ढूंढ रही है, अगर आपके पास हो तो देखना है। I know, I mean, we have also seen same character played by Anupam Kher saab, one of Salman Khan film. Is it that similar role? Sir, abhi wo to... Even he played the mama in that film. Sir, to ek hi mama hota hai kya sir? Bahut sare hote hain, yakeenan usme se ek aap bhi honge. To maine aapka sawal nahi samjha sir, aapko poochna kya hai sir? Main ye poochna chah raha tha, jaise aapne kaha ki mama ka kirdaar nibha rahe hain, इसी तरह का एक किरदार अनुपम खेर साहब ने निभाया था, सलमान खान की फिल्म थी, एंड यू प्ले द मामा, वेरी केयरिंग लविंग मामा टू करिश्मा कपूर। इज द रोल सिमिलर व्हाट अनुपम साहब हैव प्लेड इन द फिल्म? आई डोंट थिंक सो सर। अब वो बनने के बाद सिमिलर होता है या नहीं होता, वो तो बाद में देखना पड़ेगा। राइट नाउ आई कैन नॉट से दैट इट्स सिमिलर। ओके अली, कभी नानी कभी मामा, तो क्या ननिहाल वाला आपका खास फेवरेट है क्या? सर ये अच्छा है, ऐसे फैमिली मेंबर बन के चलते रहना सर। शेड्स बहुत मिलते हैं इसमें करने के लिए सर, तो हर एक कैरेक्टर के साथ आपका कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता रहता है, यू नो, एक एक ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना सर, खाने में आलू कैसा होता है, हर चीज़ के साथ मिल जाता है सर, तो ये वैसे कैरेक्टर्स है सर। सो बहुत शेड है इसमें करने के लिए, गाने हैं, एक्शन भी है,
कहीं ना कहीं रोमांस भी है. सो थोड़ा 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 मिलके बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो गया सर. कॉमेडी के लिए तुम जाने जाते हो. थैंक यू सर. जय हिंद. अरे स्टैंडिंग सर प्लीज प्लीज क्लैप फॉर वेंकी सर. डार्लिंग ज्योतिष सर तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ. कसम से थैंक यू सर. सर हर फिल्म में तुम कॉमेडी का किंग हो क्या? सर मैं किंग नहीं है सर. अब तक तो क्वीन चल रहा था. अब क्वीन. क्वीन का नाम कमाने के लिए भी किंग होना पड़ता है कॉमेडी में सर. क्या बात है सर. पांच बारा. अब ये सवाल है कि अलग सा रोल विक्रम साहब ने कहा, क्या इसमें नेगेटिव रोल थोड़ा शेष दिखाने के लिए मौका मिलेगा मामा को? यस यस जी. नहीं शकुनी मामा नहीं. मामा जो अपनी भांति के लिए क्वीरिंग क्वीरिंग कर रहा है, जो उसके लड़ रहा है, जो उसके प्यार के लिए लड़ रहा है, वो आपको सारे फिट मिलेंगे इसमें फिल्म के अंदर. क्योंकि माँ में एक माँ होती है और मामा में दो माँ होती है, तो मामा भांति के क्लोज तो हुआ ना. यू वेलकम बैक टू एक्टिंग इन फिल्म. थैंक यू. थैंक यू ज्योति सर. लव यू. पारस. पारस फिल्म में क्या किरदार है आपका? मैं राजवीर का किरदार प्ले कर रहा हूँ जो माही का ब्रदर है और अली भाई मेरे मामा बने हैं उसमें. तो पास सर ने नाम लिया वो मेरी चेची का रोल प्ले कर रहे हैं एंड वो भी पाजी जो है वो मेरे पापा प्ले कर रहे हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग करेक्टर. एक भाई है जो अपनी बहन के दर्द को समझता है, उसके साथ हर मौके पर खड़ा होता है. मामा जी है जो मेरे साथ मिलकर मेरी हर चीज़ के लिए हेल्प करते हैं. इस तरह का करेक्टर है. बहुत अनलविंग है, बहुत रोमांटिक भी है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी उसकी कुछ सीन्स हैं. अच्छा थैंक यू. इतें सर इधर सर आप कंफर्म नहीं कर रहे हैं कौन सी पीरियड में आप मतलब. पाँच मिनट तो दीजिए पहले से तो निपट जाऊँ. अच्छा प्लीज हॉबी बाजी है पंजाब के टॉप. नहीं सर मैं विलेन नहीं हूँ. मैं पंजाब और शायद मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हम पंजाबी लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं और इसके प्यार में मैं आजकल अंधा हूं और इसलिए मैंने आज तक कुछ नहीं सुना इस कहानी के बारे में. सिर्फ यही बताया गया था कि हमारी एक फिल्म पंजाबी की शूट हो रही है सहयोनी बर्मिंगम में और इसने जाने से एक दिन पहले मुझे बताया कि पिक्रो आना है. आज आया हूँ सुबह 5 बजे वापस जा रहा हूँ. सिर्फ इसी फंक्शन के लिए आया था और यही प्यार है यही किरदार है ऐसा ही हूँ मैं और ऐसा ही फिल्म में भी बस सेम कैरेक्टर है. जी सिर्फ 5 मिनट दीजिए अभी बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि हाइजीन बिल्कुल ऑफकोर्स. सर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें दोस्त है एक प्यार भरी कहानी है तीनों दोस्तों की जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की परेशानी के साथ पे खड़े हैं लेकिन धीरे धीरे सब एक एक करके कुछ ना कुछ ऐसा होता है. सिचुएशन ऐसी आती है कि सारे दोस्त यार एक दूसरे से अलग होने लगते हैं. यही है बाकी अभी पूरी स्टोरी अगर बता देंगे तो आप फिल्म नहीं देखेंगे. आप रोमांटिक हो रहे हैं भाई बताएंगे अभी कुछ. बड़ा सुलझा हुआ कैरेक्टर. इज ए जाट. जाट मतलब जो भी लड़की मिली पर उसे आशिकी करनी है. इज ए जाट. हितेश भाई बहुत सुलझे हुए लवर फॉर द कार्स घोड़ों का प्यार. बहुत इज ए मैक्स. सिद्धर मारे मैक्स का रोल कर रहे हैं. बहुत क्लास रोल है. प्लीज रोल तो इन्होंने बता ही दिया. अभी सुनना था आप लोगों को क्या कर रहा हूँ मैं. अभी उन्होंने बता दिया मैक्स का रोल है. मेरा नाम है मैक्स. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊँ. ये इधर से मेरे को बोलता है कि
के साथ रोमांटिक सीन इसी के इसको जलन हो रही है, बोला मेरे को मैक्स दे दो ना खराब एक मिनट आगे तीन लड़कियों में भूतनी कौन है हाँ लड़कों में भूतनी कौन है लड़कों में लड़कियों में लड़कियों में लड़कियों अच्छा भूतनी कैसे बोलेंगे सर अभी एनीवे आगे बढ़ा दो प्रिया पेमेंट कटर भाई के अपोजिट ये जो आनस के अपोजिट हैं के जाट भाई के अपोजिट हमारे 10 पैर वाला मूवी सीजर नाम क्या है इनका फर्स्ट वाली का हाय आई एम अक्षता सुनावने क्या रोल है फिल्म में आपका आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ अ मॉडल एंड अ वेरी टीनेज टिपिकल गर्ल एंड दैट्स ऑल आई कैन से राइट विक्रम सर एक इस फोटो में मैम के साथ एक ग्रुप फोटो हो जाए ना इस फिल्म के लिए किनके सर मैम को लीजिए ना ग्रुप फोटो चाहिए आपको ग्रुप फोटो जी प्रभ मैम प्लीज कम फॉर द पिक्चर अब हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे हम सबकी प्यारी प्रोड्यूसर जो पूरा खर्चा करने वाले yes. भाभी हमारी रब सिमरन सर यहाँ पर है हमारे साथ वैसे तो सर ने कहा था कि मुझे कि यार लकी यार हमारा स्टोरी जो है माइक दे दो यार अच्छा Make some noise for Caesar Cars, ladies and gentlemen. क्या बात है? सामने कौन सी बात? नितिन भाई सामने हमारे साथ मुदस्सर खान भी मेरे बाजू में है सर सर कैसा लग रहा है पहली बार फिल्म करने की कर रहे हैं विक्रम सर के साथ विक्रम जी को मैं एक महीना पहले मिला हूँ और बहुत ज़्यादा दिल के बहुत ही बोलते ना कंप्लीट 100% इंसान है और बहुत ही अच्छे इंसान है और शुरुआत तो पूरी आपके पास आई हुई है मैं चाहूंगा प्लीज प्लीज मैं चाहता हूँ कि ही हैंगिंग काउंसिल आई हुई है पूरी पूरी For many reasons. I mean, first of all, it is an honor that another Indian production is going to be shot in Hungary. It is not the first Indian film, to be frank. To be precise, a lot of famous Indian films with very famous Indian actors like Shah Rukh Khan, Salman Khan, Aishwarya Rai, Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan. All of them have been to Hungary, and all of them have already shot parts of their films in Hungary. And we hope that another milestone will be established with the two films which are now coming up and will be shot fully or partially or mostly in Hungary. It seems to me that this film can only succeed and I can cite a number of reasons for that. First of all, the people behind the film, Vikram and Simran Sandhu, are so dedicated to make it a success and to give the Indian public a very memorable, not one, but two very memorable films. Now the other reason is that they found the best partners in Hungary and we are lucky enough to welcome them here. It's Gábor Herendi, he's one of the most famous Hungarian directors. Has made blockbuster films in Hungary, a number of them. He is very well known and he is very professional and he will assist this film. I mean, he is their Hungarian partner. And I mean, with this combination, they can only succeed, I'm sure. So again, we are very happy to welcome this decision to go to Hungary and we are very happy that Hungary will be the venue for two more Indian films. And we are sure that these films can only succeed. Thank you very much. Good evening, and I can say almost the same. I'm really happy that Vikram found my company called Sky Film. We produce many feature films and commercials in Hungary from 1991. And I hope we can assist them and make together a very popular and a very, very nice and good movie together. So, congratulations and welcome to Hungary.
Thank you so much. Thank you. Sir, last week myself, better only will I please. So please, two words to for the producer. He's also his partner. Now I'm here in Louis. We are really happy, so I just can assure that Gabot also, I think it's a big luck that we have the chance to make this together. So thank you very much, everyone. Help, love and undying support of the Hungarian Embassy, Hungarian National Film Fund and the Sky Film Productions. We are happy, confident of this collaboration being the start to many more to come in the future. Thank you everyone for being a part of this event. Thank you. Contact with us when we decided to produce the two films. And for some reason, you should ask them why. I can give reasons for that, but they should be real ones who need to answer. For some reasons, they have chosen Hungary. I think it will be a good choice because Hungary is in very good conditions. Financially and professionally also to shoot films in Budapest. I mean, a lot of Bollywood blockbusters have been shot in Budapest. Bollywood has also been present in the recent years. A couple of Bollywood films were also shot. So that is why probably Simran and Vikram decided to try the Latin country. They contacted a very reputed company. CEO is here, who is a famous Hungarian director. And the collaboration between Divya Film and the Sky Film Productions can be together for a professional, very high level film. So I think Vikram and Simran made a good choice, and we are looking forward to the final product. Very whole Europe and Hang is very different. जैसे अपने यहाँ साउथ पंजाब और दिल्ली कितना डिफरेंट पूरे इंडिया के अंदर है ना उतना ही डिफरेंट अपना होल यूरोप में हैंगरी में डिफरेंट है. हैंगरी परसेंट इज वेरी कॉपरेट एंड पॉसिंग इज 40% and 50% इज समथिंग वॉट एंड होल लोकेशन इमेजिंग होल यूरोप एंड हैंगरी वेरी इमेजिंग एवरी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल ए प्लस पॉइंट. मैम आपसे जान सकूँ क्या करना चाहिए लॉन्च हो गया है कलाकार एसोसिएटेड इस प्रोजेक्ट से तो कितनी खुशी मिल रही है. हाउ एक्साइटेड यू आर फीलिंग अबाउट द प्रोजेक्ट. सेंटर लुक हैप्पी दैट टुडे वी हैव लॉन्च्ड द एक्टर्स मैम सेंटर बस भी बोलूंगी सेंटर लुक अभी लॉन्च किया है उतनी जल्दी हम फ्लोर पे जा सकते हैं. फोटो ना भाई राइट आने दो भाई कैमरा आपको बैठ जाएगा सर. ठीक है ठीक है थैंक यू. या सर से हम भी I hope we could be a kind of mentor for them. Our company is a very old one and we have a lot of experience and all the Hungarian film industry is very expert, full of very talented people. So I hope we can help them find the locations, get together all the equipment what they need, and I hope we will work together in a very good mood, in a very professional way. थैंक यू. थैंक यू सर. नए कलाकारों को मौका दे रहे हैं साथ ही एस्टैब्लिश नेम भी हैं. हितेन जी हैं, अली अजगर सर हैं. तो क्या कहना चाहेंगे एक मिक्स कितना बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है कितना ज़्यादा है. 100% बिगेस्ट प्रोजेक्ट बिग प्रोजेक्ट. अगर हम लोग सेंटर लोग सर नए को लॉस नहीं देंगे तो अगर फिर कहाँ जाएंगे नए वाले कहाँ जाएंगे. बेस्ट एक्टर लेके आ रहा हूँ, बेस्ट क्वालिटी लेके आ रहा हूँ, स्क्रिप्ट बेस्ट है, गाने अच्छे हैं, मेहनत हम लोग सब लोग कर रहे हैं
और मैंने अब लास्ट टाइम भी कहा था आप लोगों को कि और फ्रॉम पूरा लगी हाथ में बस दोनों फिल्मों का दिलों पे छाप छोड़ के जाऊँ गारंटी से। अच्छा विक्रम सर, आपने तब कहा था वहाँ पे कि माही को हम लोग लॉन्च करेंगे, मुहूर्त पे दिखाएंगे, आज माही क्यों छुपा रहे आप, क्या असर? क्योंकि मैं 4-5 दिन बाद गाना शूट कर रहा हूँ, मैं 4-5 दिन के बाद आफ्टर 4 and 5 days बिगेस्ट सॉन्ग शूटिंग हुई है, उसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग रुक रहे हैं। तो ये डिसीजन मेरा नहीं, मुझे भाई का डिसीजन था कि मैं माही को 4 दिन के बाद ही करूँगा। क्यों भाई, ये बड़ा गाना कर रहे हैं उसमें हम लोग, और गाना भी जो गाना गाया है तो गाना आपने बड़े हमारे पंजाब की लीजियर घोटाली बिजनेस का नाम सुना होगा आपने, तो और मुझे छोटे भाई अभी इतना ही है दुनिया में, उनका आखिरी गाना मेरे पास है, उनका गाया हुआ गाना, उस गाने पे हम लोग कर रहे हैं और साथ में हम लोग शो कर रहे हैं, साथ में डांस भी दोनों गाने साथ में कर रहे हैं। तो भाई कहते कि मैं उस गाने में पहले करूँ, तो उस चक्कर में हम लोग भाई आज लॉन्च किए ये डिसीजन। भाई उसका दो रीज़न है, पहला रीज़न तो ये था कि मैं चाह रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा और आप लोगों के साथ सारा का सारा जो हमारा माहौल है वो पहले बने, तो हम अच्छी शुरुआत गाने से कर पाए, हम पहले गाना स्टार्ट करें और फिर बाद में चीज़ें बने, तो उससे बेटर है कि हम पहले ही इसको एक अनाउंस करें और फिर हम सॉन्ग स्टार्ट करें। तो मैंने ये एडवाइस दिया था, बाकी सब मैडम भी थी, प्रोड्यूसर मैडम भी थी सब ने, तो हिसाब से फिर सोचा कि नहीं लेट्स शूट द सॉन्ग हियर फर्स्ट, माही को छुपाया क्यों यार? माही को अभी ये मेरे को बोल रहे हैं, बट मेरा खाली गाने का था, क्योंकि गाने में पहली बार गाने में दिखेगी थोड़ा फ्रेश रहेगा और बड़ा रहेगा, तो वो था मेरा, अदरवाइज आई वॉज लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कितने बोला आपको कि छुपा हुआ, वो आपका आइडिया था। थैंक यू सर, थैंक यू। अली सर्विस में है माही, अली भाई प्लीज, अली भाई प्लीज कम चेयर पे बैठा है कि फिर अच्छा है अब कर ले। देखिए जो जाना पहचान कह रहा होता है वो ऐसी एक्ट्रेस, काफ़ी सारी एक्ट्रेस हैं। देखिए क्या होता है, रीजंस क्या है, अगर सब लोग नॉन के साथ खेलेंगे तो नए के साथ कौन खेलेगा? अभी लोग आप लोग भी नहीं थे प्रेस में, आज आपके माना हुआ चेहरा, आप लोग प्रेस का एक बहुत बड़े नाम है आपके, तो कभी आपने भी किसको असिस्ट किया, कभी आपको भी किसने ब्रेक दिया, क्या वो टाइम याद है? क्या बोल रहा हूँ, सही सही सर। मैं भी कभी असिस्टेंट रहा हूँ, मैंने भी कभी सीखा है, तो डायरेक्टर मैं भी ऐसा नहीं बना हूँ, तो अगर मैं भी किसी को ब्रेक नहीं दूंगा तो फिर नए लोग कहाँ जाएंगे? मैंने आपको पहले बोला कि मैं बहुत अच्छे एक्टर लेके आ रहा हूँ, बहुत अच्छे एक्टर लेके आ रहा हूँ। जी अली सर, नानी से मामा क्या कहेंगे सर? हाँ सर, ये बहुत अच्छा चेंज है, रिफ्रेशिंग चेंज फॉर मी सर, एंड बहुत शेड है कैरेक्टर में, एंड एक चीज़ तो मैं दाद देना चाहूँगा विक्रम सर को, ही इज़ वेरी पैशनेट एज अ मेकर, जितनी भी जो ब्रीविंग इन्होंने मुझे दी है, जो इनका नरेशन है, ये बहुत ही एक प्रोफेशनल नरेशन है, ऐसे नहीं लग रहा है कि फर्स्ट फिल्म बना रहे या ये एक ये लॉन्च हो रहे हैं, मतलब एज अ प्रोडक्शन हाउस, बहुत ही ठहराव है इनमें, एंड कलरफुल कैरेक्टर है, बाकी सारे कैरेक्टर्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं इसके साथ, एंड उसमें जैसे इन्होंने बताया थोड़ा सा ग्रे शेड भी है, थोड़ा सा ह्यूमर भी है, एंड इमोशनल बहुत है सर, सो वेरी एक्साइटेड सर। एंग्री और बोल रहा हूँ, मामा के साथ ये छोटा सा रोल है एंग्री के अंदर, जहाँ ये जीजा बनते हैं, जब फर्स्ट एक फॉरनर पूछता है कि व्हाट इज नेम, क्या बोलते हैं, माय नेम इज जी जा जी, क्या बोलते हैं, जी जा जी जा जी। अच्छा अली सर, ये मतलब शकुनी भी है, कंस भी है, ये मामा इस तरह के मामा है कुछ क्या? बिल्कुल नहीं जी, नहीं नहीं सर, देखिए हर मामा ग्रे कैरेक्टर, एक ग्रे हल्का सा रहता है सर, पर वो उस नेगेटिव नहीं होता सर, उसको आप अपने पॉजिटिविटी के लिए कितना यूज़ करते हो या नेगेटिवली यूज़ करते हो, सो है सारा पॉजिटिव सर, बहुत ही इनोसेंस भी है, जब जब स्क्रीन पर आएंगे सर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, चल बस इंट्रोड्यूस कर लीजिए। यस सर, राजवीर का कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, राजवीर वो है जिसके मामा के साथ बहुत अच्छे संबंध है, मरी जो है उसकी लाइफ में आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो उसकी हीरोइन है माही, उसका भाई है, माही को कभी भी तकलीफ में देखता है, हमेशा उसके लिए खड़ा होता है, हमेशा अपने परिवार के लिए खड़ा होता है, इस तरह का कैरेक्टर है, बहुत इमोशनल है, बहुत फन लविंग है,
बस इससे ज़्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ जब आप पिक्चर देखिए आपको बहुत पसंद आए आपके My character is based totally in a UK-based girl and I've never went to India, doesn't know anything about India, only has idea about how UK works with Indians living here. अच्छा सर आप माही के भाई बने माही भाई कौन पर सर नहीं बता रहे सबने बता रहे सरप्राइज है हम इसलिए घूमने को लाके आए कौन सी सरप्राइज आपको जब हम लोग शूट करेंगे तभी आपके सामने ये सीजर नाम से आपको पता लगे क्या होगा कि कैची चलेगी सर सेंटर सेंटर चलेगी तो सब कटते जाएंगे कटते हैं मेन बात कैरेक्टर का नाम मैक्स है और मैं इसका ज़्यादा डिटेल आपको बता नहीं पाऊँगा क्योंकि क्या है कि मैं बताऊँगा फिर आप लोग बोलेगा हाँ ये कैरेक्टर तो आपको पता था ये करेंगे ये कर भी नहीं सकते या कर भी नहीं पाएंगे मैं करके दिखाना चाहता हूँ फिर देखिए थोड़ा सा अलग है सब बोलते हैं कैरेक्टर अलग है बट यस थोड़ा सा अलग है लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरे चेहरे में ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही संस्कारी हूँ तो इसमें थोड़ा उल्टा साइड में बनता है नेगेटिव किरदार इतना एस्टैब्लिश नाम है आप नया डायरेक्टर नया प्रोड्यूसर नए आर्टिस्ट के साथ काम करना अगर कोई दूसरा आर्टिस्ट होता तो बहुत सोचता है कि काम करूं ना करूं आप बताइए आपका क्या अटेम्प्ट करने चल रहा है देखिए मैं ये सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कभी कोई टर्म्स एंड कंडीशन डालता नहीं मुझे एक स्क्रिप्ट पसंद आनी चाहिए दूसरा ये मेरे को कन्विक्शन देखना है कि भाई का क्या कन्विक्शन है क्या जानते हैं कैसा करना और पहली फिल्म तो बनी रही है माई तो हमें और भी आइडिया आ जाएगी तीसरा ये होता है कि ऐसा किरदार जो मैंने किया नहीं अगर मुझे करने मिल रहा है तो मैं करना चाहूँगा और फिर कभी ना कभी जब मैं न्यू कमर था तो मेरे साथ ही लोगों ने काम किया ही तो अगर मैं ये सोचूंगा कि यार न्यू कमर के साथ मैं नहीं करूँगा वो नहीं भाई काम करना है मुझे मुझे ये पता है कि अच्छा काम हो रहा है अच्छा काम करो अच्छा काम दिखाओ और भाई आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि अब कंटेंट इसकी अच्छा कंटेंट है तो इट हैज़ टू बी वेल इट हैज़ टू बी मतलब इट इज़ रिसीव्ड तो वही है और सर टीवी स्टार से जो ट्रांजिशन होता है फिल्म स्टार का वो कितना चैलेंजिंग हो जाता है वो बेनिफिशियल है आपका वो गेम टीवी स्टार के तौर पर या वो आपका देखिए ऐसा है ना ये हमारे यहाँ पे ही होता है कि ये टीवी स्टार है ये फिल्म स्टार है ये वेब सीरीज का स्टार है ये थिएटर करता है एक एक्टर एक्टर है अब वो कोई भी मीडियम पे हो सकता है टीवी पे लकीली सब लोगों ने मुझे देखा है सब लोग मुझे पहचानते हैं फिल्मों में लोग देखेंगे आई एम श्योर लोग पहचानेंगे ज़रूर और अफकोर्स लोग ये मतलब ये उनको खुशी होगी ये देख कर कि उनका जो एक्टर है जिसे वो पसंद करते हैं वो फिल्म में भी कर रहे हैं और अच्छा काम मैम आपने हमें इंट्रोडक्शन दीजिए बताइए क्या करना चाहेंगे हितेन सर के साथ काम कर रही हैं सक्सेसफुल एक्टर हैं कैमरामैन गुरु सर क्या करना चाहेंगे कैमरा लुक यू बी एट द कैमरा मैन एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं कभी हितेन सर के साथ मैं काम करूँगी आई एम वेरी ग्लैड और बस ये बोलूँगी वेरी हैप्पी इसके खिलाफ दिस इज योर डेब्यू प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट डेब्यू है आपका या पहले भी आपने हाँ मैंने दोस्ती के साइड इफेक्ट्स मैंने किया है सर सर आप बताइए क्या करना चाहेंगे कितनी ज़्यादा एक्साइटेड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आपको तो मालूम है और विक्रम सर क्या करना चाहेंगे जो आपके मेंटोर हैं विक्रम सर को तो खैर यही कहना चाहूँगा कि वो अभी रोड पर जाएँ और जितनी कास्ट अपनी तैयार हुई है अच्छे से शूट करके आए और मेंटल स्टेटस थोड़ा ठंडा रख के ही काम करें आपका रोल क्या आपका किरदार क्या है मेरा किरदार देव का है एक सुलझा हुआ बंदा है जो अपने दोस्तों और फैमिली से बहुत प्यार करता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैपन होती हैं कि धीरे धीरे लोग दूसरे को एक चेयर और मंगाओ करने लगते हैं सो आयो भाई प्लीज हमारी जो सीजन के मेन किरदार जो मेन फादर मेन गार्ड का कैरेक्टर जिससे कहानी सीन स्टार्ट हो रही है लास्ट में फर्स्ट सीन जिससे ओपन हो रहा है फर्स्ट लास्ट सीन जिससे हो रहा है ये जो हॉबी बाजी अभी मुझे क्या किस तरह किरदार है क्या आपका मुझे बताइए डरावना है अभी तक स्टोरी नहीं सुनाई थी मैं स्टोरी सुनते नहीं हो मेरे से वो एक ही बात है विक्रम कर रहा है दैट्स ऑल बस सुनना नहीं मेरे को और मेजर कैरेक्टर है और सर कुछ बोलेंगे सर कुछ बोलिए आप भी विक्रम सर के बारे में विक्रम भाई के बारे में अरे सर मैंने एक बात बोल दी है कि मैं पंजाबी आदमी हूँ शौदाई हूँ मैं
और इश्क करता हूँ और इसके प्यार में मैं शुदाई हूँ। मैं आई हैव डन ऑलमोस्ट 80 फिल्म्स और आज तक ना मैं कभी किसी फिल्म से बाहर हुआ हूँ, ना कभी मेरा किसी के साथ पैसे का झगड़ा है और आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं कभी भी लेट नहीं पहुँचा आज ऑन टाइम मेरे लिए स्पेशल लंदन से आई हैं और आज के दिन आए हैं, कल सुबह वापस लंदन जा रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, सूर्य से हटके पंजाब में दूसरा फिल्म हम लोग ऑफिस ओपन कर रहे हैं, साल के 6 हम लोग फिल्में पंजाबी फिल्में फाइनेंस कर रहे हैं, जिसका पूरा डील इंडिया फिल्म से पार्टनर हॉबीबाजी कर रहे हैं पूरा जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बताइए इसका किरदार क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शी इज़ अ वेरी फन लविंग गर्ल एंड इट्स अ रोमांटिक हॉरर मूवी एंड आई एम प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर विच आई कांट रिवील मच राइट नाउ बिकॉज़ उससे फिर मज़ा खराब हो जाएगा। एंड एज यूजुअल आई हैव लाइक फुल फेथ ऑन विक्रम सर, ही हैज़ कंसिडर्ड मी फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड ही हैज़ गिवन मी सच अ नाइस कैरेक्टर विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर कैरेक्टर्स, सो फॉर दैट यू हैव टू वेट एंड वॉच। जी सर, एक मिनट सर, एक मिनट बॉटल लगा दीजिए, बॉटल फ्रेम सर, सर सर एक मिनट, ये रुक जरूर माइक, हाँ हाँ बॉटल सिंपल यूज है माइक, नहीं आ जा माइक तो आ जाएगा सर, आ जाओ रोल स्लाइटली लाउडली प्लीज। हां मेरा नाम फरहान है, फरहान खान, मेरी पहली फिल्म थी जी। अभी भी पता चला है कैरेक्टर क्या है क्योंकि मैं जस्ट अभी नया आया हूँ इसमें, मेरे ख्याल से 15-20 से भी नया हूँ, जहाँ तक के मुझे पता है शॉर्ट टेम्पो चार्ट मेरे ख्याल से मैं सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है, एक तो हॉरर है और इसमें क्या है लोगों ने रोमांटिक रोमांस भी डाल दिया थोड़ा सा, तो और दूसरा मेरा कैरेक्टर थोड़ा अलग है, मैक्स नाम का कैरेक्टर है तो थोड़ा अलग रूप और अलग रंग देखने को मिलेगा, तो थोड़ा मतलब मैं कोशिश करूँगा कि इसको टोटली अलग एक लुक दूँ। मेरे हिसाब से मैं वो कैरेक्टर करना चाहता हूँ या वो ऐसे टाइप के किरदार करना चाहता हूँ जो मैंने अभी तक किया नहीं, और दूसरा जिसमें यू नो आप दिखा सकते हो कि आप कुछ कर सकते हो, कुछ स्कोप हो। बहुत सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो यू नो बहुत बार लिखते हैं वो लोग ऐसे हैं पर वैसे दिखते नहीं और प्रोबेबली यू नो उस तरह से निभा नहीं पाते, बट मुझे वो पूरा उस तरह से निभाना है और थोड़ा अलग करना है, तो इसीलिए अलग अलग कैरेक्टर्स देखता हूँ मैं, और जब मुझे वैसे कैरेक्टर्स मिलते हैं करने तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें भी अपना 100% दूँ, ताकि क्या है कि कुछ भी हो जाए फिल्म का मुझे पता नहीं हिट होती है या फ्लॉप होती है, लेकिन आदमी लोग देखने तो आएंगे, लोग देखने आएंगे हमें और हमें देखेंगे तो उन्हें वो तो होना चाहिए कि चलो हितेन ने अपना काम अच्छा किया। एग्जैक्टली अभी मेन बात वही है, लोगों का ये जो सोचने का जरिया या देखने का जरिया बदला है, अच्छा है, उन्हें कंटेंट चाहिए। कंटेंट अगर आपका अच्छा हुआ तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स बहुत बार ये होता है कि आजकल के एक्टर भी मतलब रेडी हैं उस तरह के सब्जेक्ट करने के लिए, तो 100% आपकी कास्टिंग कहीं ना कहीं फिर वो भी हो जाती है, मतलब परफेक्ट बैठ जाती है और लोग रिलेट करते हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर इसको लिया है मतलब वो उसमें जा रहा है और वो दिख रहा है वो कैरेक्टर, तभी मज़ा आता है ना। हंड्रेड परसेंट क्योंकि वो भी आजकल शूट होता है फिल्मों की तरह, तो 100% स्कोप है उसमें देखने का, और वो बहुत सारे अच्छी बात ये है कि लोगों के हाथ में है ना, वो कभी भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज देखना है मुझे एक एपिसोड, में एक एपिसोड देखूंगा, मेरे पास आधा एपिसोड देखने का टाइम है, आधा एपिसोड पॉज करके मैं सो जाऊँगा, नेक्स्ट डे मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं देखूँगा। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे इस फिल्म का डायरेक्टर पसंद आया, उसके आप पैशन पसंद आया, बस मैंने अभी तक स्क्रिप्ट नहीं सुनी, कहानी नहीं सुनी। दो फिल्में बन रही हैं दिव्या फिल्म्स के ज़रिए और हिंदी में, और मैं इतना हिंदी में अच्छा भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो पैशन है मिस्टर संधु का वो कमाल है, विक्रम ने कायल कर लिया। जैसे कि अगर मेरी बात करते हैं तो मैं तो सोचता हूँ कि विलेन होना चाहिए, वैसे होना चाहिए जैसे होते थे फिल्मों में, गब्बर सिंह थे या हमारे और लोग थे जितने भी आजकल प्राण साहब ने इतनी अच्छी फिल्में की हैं, तो वैसा विलेन एक होना चाहिए अलग से, कि या
ये हिंदी फिल्मों का विलेन है। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ तो अमरीश पुरी साहब को करता हूँ, हिंदी फिल्मों में विनोद खन्ना साहब को करता हूँ, मेरा गांव मेरा देश। सिंपल मैं एक बात बता दूँ खुल के कि मैं पंजाबी में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लेकिन जब भी मुझे कोई हिंदी फिल्म ऐसी आती है जो पंजाब में शूट होना वो मैं करता हूँ। 3-4 फिल्में जितनी भी मैंने हिंदी में की हैं वो वही की हैं जिस जो पंजाब में शूट होती है, बेशक उसके बाद बॉम्बे आना पड़े या किसी और जगह जाना पड़े। तो अगर कोई बड़ा रोल मिले, 10-15-20 दिन काम करना होगा पर हिंदी फिल्म में, तो आई वुड लव के मुझे कहीं भी जाना पड़े। अरे पंजाबी फिल्म्स तो क्या बात है, डंके की चोट पे मैं कहता हूँ कि पंजाबी फिल्में जितनी परसेंट अगेंस्ट हिंदी फिल्मों के बनती हैं उससे ज़्यादा रेवेन्यू है, उससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, उससे ज़्यादा हमारे गाने बजते हैं, उससे ज़्यादा हमारे जो सिंगर्स हैं वो पॉपुलर हैं, परफॉर्मर अच्छे हैं हमारे पास, एंड वो मुझे बहुत मान भी है उसके। नमस्कार, मैं हूं आपका हॉबी थालीवाल और देखते रहिए बॉलीवुड अड्डा।